अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं मेरे सब यूट्यूब फ्रेंड्स? आई होप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खुश हैं, मज़े में हैं। और आज मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ मिक्स फ्रूट ट्राइफल की रेसिपी। तो स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है 3 कप मैंने लिया है दूध, उसको मैंने रख दिया फ्लेम पे। अच्छा सा दूध हमारा गर्म हो जाए तो उसमें हमने डाल देनी है चीनी। मैंने इसमें डाली है 6 टेबल स्पून चीनी। आप इसको शुगर को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद मैंने लिया है यहाँ पर 6 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर वनीला फ्लेवर, और उसमें मैंने डाल दिया है 1/2 कप दूध। और अच्छी तरह से हमने इसको कर लेना है डिज़ोल्व, और उसके बाद हम इसको डालेंगे दूध में और कर लेंगे अपना कस्टर्ड तैयार। दूध में शामिल करते ही हमने इसको अच्छी तरह से करना है मिक्स, ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्प्स नहीं बने और अच्छा सा थिक होने तक मैं इसको कर रही हूँ कुक। देखें अच्छी तरह से गाढ़ा हो चुका है, और अब मैंने कर दिया फ्लेम को ऑफ और इसको हम कर लेंगे बहुत अच्छा सा ठंडा। अब मैंने यहाँ पर ले ली है अपनी सर्विंग डिश, और उसमें मैं ये लगा रही हूँ केक। मैंने यहाँ पर टूटी फ्रूटी केक का इस्तेमाल किया है, आप कोई से भी केक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ, ये मैंने लिया है कैन फ्रूट लिया है, उसी का मैंने सिरप यूज़ किया है। अगर आपके पास सिरप नहीं है या आप इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप कोई सा भी जूस भी इसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं, या आप चाहें तो इसके ऊपर दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमने अपने केक को एक्चुअली करना है मॉइस्ट। और उसके बाद मैंने इसमें शामिल कर दिए, सेकेंड लेयर लगा दी है मैंने इसके ऊपर ये कैन फ्रूट की। आप चाहें तो फ्रेश फ्रूट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद है, बनाना, स्ट्रॉबेरी, एप्पल और कोई भी फ्रूट जो आपको पसंद है आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया है कैन फ्रूट का, और अच्छी तरह से मैंने कर लिया है अपने केक्स को कवर फ्रूट्स के साथ। इसके बाद मेरे पास यहाँ पर है जेलीज, ये मैंने 3 फ्लेवर्स की जेली ली है। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर लिया है, ऑरेंज फ्लेवर लिया है, और मैंने लिया है लाइम फ्लेवर। आपको जो फ्लेवर्स पसंद हैं, आप जो यूज़ करना चाहते हैं आप यूज़ कर सकते हैं। जेलीज को मैंने बनाकर फ्रिज में रख दिया था ताकि अच्छी तरह से सेट हो जाए, और अब हमने इसको कर लिया है इस तरह से क्यूब्स में। सारी जेलीज जो हैं इनको मैंने कर लिया है क्यूब्स में, और ये जेलीज अब हम डालेंगे हमारे डिज़र्ट पे। और सारी जेलीज मैं अभी नहीं डाल रही हूँ, मैं आधी यूज़ कर रही हूँ, बाकी मैं रखूँगी इसको ऊपर से डेकोरेट करने के लिए। और कस्टर्ड जो है अच्छी तरह से मैंने ठंडा कर दिया था, और अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी लास्ट लेयर कस्टर्ड की। सॉरी लास्ट नहीं है, ये सेकेंड लास्ट है। तो कस्टर्ड बहुत अच्छा सा आप ठंडा ज़रूर कर लें, अदरवाइज़ जो गर्म कस्टर्ड यूज़ करेंगे तो जेली आपकी पिघल सकती है। अब कस्टर्ड भी मैंने अच्छे से सेट होने के लिए फ्रिज में रखा था, अच्छा सा ठंडा हो गया है, तो उसके ऊपर मैंने डाल दी है ये व्हिपिंग क्रीम। व्हिप क्रीम की मैंने एक लेयर लगा दी है, और क्रीम को मैंने कर लिया था अच्छी तरह से व्हिप, जब तक कि इसके ऊपर बन गए स्टिफ पीक्स। और मेरे पास जो व्हिपिंग क्रीम थी वो एक्चुअली थी स्वीट, तो मैंने इसमें शुगर वगैरह ऐड नहीं की है। आप जब अपनी क्रीम को व्हिप करें तो उसमें शुगर ऐड कर दें, आइसिंग शुगर। अब आपने कर लेना है अपने डिज़र्ट को किसी भी तरह से डेकोरेट। मैंने जो रखी थी जेलीज उनसे मैंने इसको कर लिया डेकोरेट, बहुत प्यारा सा। तो आई होप कि रेसिपी अच्छी लगी होगी, बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी है इसको बनाना। और इजी होने के साथ साथ ये बहुत मज़े का लगता है, बच्चों के साथ साथ बड़े भी बहुत शौक से इसको खाते हैं। तो आप लोग ईद पे भी इसको बना सकते हैं, ईद के अलावा भी बनाना चाहें तो इसको बना सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। अपना और अपने घर वालों का रखें बहुत ज़्यादा ख्याल, मुझे रखें अपनी दुआओं में याद। मैं आपसे मिलूंगी अपनी नेक्स्ट किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।